भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सिरोंज पहुंचकर दिवंगत पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। पूर्व मंत्री के भाई विधायक उमाकांत शर्मा से मुलाकात की और शोकाकुल परिवार से मिलकर परिजनों को ढांढस बंधाया। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत, सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा सिरोंज पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। सिरोंज से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। साहब, आपका काफी पुराना साथ रहा है लक्ष्मीकांत जी से, कितनी बड़ी शख्सियत थे आपके लिए? नहीं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता भाव से उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया और कार्यकर्ताओं की चिंता की। एक बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी का नेता हमने खोया है और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में प्रदेश में काफ़ी नए नए काम हुए। कभी कभी उनके व्यक्तित्व के बारे में जिस प्रकार चर्चा होती है तो मन को पीड़ा भी होती है, और जहाँ तक मैंने लक्ष्मीकांत जी को नज़दीक से देखा है, एक बहुत ही बेबाक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और हमेशा समाज के बारे में, क्षेत्र के बारे में, जनता के बारे में सोच कर और सरकार में भी हिस्सेदारी करते थे और व्यक्तिगत जीवन में भी। पश्चिम बंगाल में आपने बहुत लंबे समय काम किया, अभी स्थिति बड़ी ख़राब है, चुनाव के बाद भी वहाँ पे कार्यकर्ता और उनको काफ़ी मारा पीटा जा रहा है, बुरी स्थिति में। देखिए, हिंसा की राजनीति बंगाल की एक पर्यायवाची शब्द हो गया है, क्योंकि पिछले 5 दशक से हमने देखा है, चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे सिद्धार्थ शंकर रे, तब से लेकर उसके बाद 3.5 दशक का CPM का राज और पिछले 10 साल से TMC के राज में हिंसा के आधार पर ही वहाँ राजनीति होती है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसने अपने 150 कार्यकर्ता निपटे, तो सबसे ज़्यादा बलिदान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुआ है। अभी चुनाव के बाद से लगभग 45 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और अभी तक पिछले 6 वर्षों में 350 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए कुछ, चूँकि लाइन ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, पर फिर भी केंद्र सरकार ने काफ़ी कोशिश की। प्रधानमंत्री जाते हैं तब उनसे मिलने नहीं आते हैं, राज्यपाल की कई बार अवहेलना हो चुकी है, क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? देखिए, संघीय ढांचे पर उनको कोई विश्वास नहीं है। अब चूँकि जनता ने मैंडेट दिया है अभी 2 महीने पहले और एकदम राष्ट्रपति शासन लगाना कितना उचित होगा, पर परिस्थिति वहाँ पर ऐसी है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, पर डेमोक्रेसी में मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। और इसलिए मैं आज के समय में ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि राष्ट्रपति शासन लगे, अभी तो मैं यही कहूँगा कि ममता जी अहंकार में कम से कम हिंसा की राजनीति को आप समाप्त करें और जीत की जय जयकार में लोगों की चीख सुनाई नहीं दे रही जिस प्रकार की वहाँ हिंसा हो रही है, और मैं समझता हूँ कि ममता जी सब ध्यान देगी और वहाँ पर हिंसा की राजनीति रखेगी। दिग्विजय सिंह जी ने अभी 370 को लेकर बयान दिया है कि वो कांग्रेस आएगी तो हटा दी। मैं समझता हूँ ये कांग्रेस का अगर बयान है तो सोनिया जी को इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए, और दिग्विजय सिंह जी का भी बयान है तो दिग्विजय सिंह जी को आज के समय में कांग्रेस के, मैं नहीं समझता कि वो किसी पद पर हैं, पर फिर भी अगर उन्होंने बयान दिया है तो कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्टेट की राजनीति की बात करें तो कुछ दिन पहले काफ़ी अटकलें चली थी कि मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, ये सारी मीडिया की चर्चा है, वास्तविकता से इसका कोई रिश्ता नहीं। स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी ने काफ़ी विकास किया है, एक विकास अमर बेल की तरह फैला सोन में, उनका एक सपना और था कि सोन जिला बने और सोन रेलवे लाइन से जुड़े, वो सपना आपके माध्यम से विधायक के माध्यम से पूरा होगा? विधायक जी जो चाहेंगे, जहाँ मेरी आवश्यकता होगी, मैं हमेशा विधायक जी के साथ खड़ा रहूँगा। अगले कार्यकाल में मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए तो और कोई प्रश्न? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।